नगरपालिका निगम दुर्ग की MIC की बैठक में शहर विकास एवं निगम की आय बढ़ाने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 35 प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकांश प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। नगरपालिका निगम दुर्ग की संपन्न हुई MIC की बैठक में शहर विकास एवं निगम की आय बढ़ाने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 35 प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से अधिकांश प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। बैठक में शंकर नाला के चौड़ीकरण को बढ़ाने के लिए दुर्गा चौक पर निर्मित सांस्कृतिक मंच को हटाए जाने का निर्णय लिया गया। मंच को हटाए जाने से नाले की चौड़ाई वर्तमान में 6 मीटर से बढ़कर 11 मीटर हो जाएगी। वहीं निगम क्षेत्र में संचालित आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री बालाराम जोशी के नाम पर किए जाने, साथ ही दीपक नगर स्थित नव निर्मित उद्यान का नामकरण शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम से किए जाने के लिए वार्ड के पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से पत्र प्राप्त कर आगामी बैठक में निर्णय लेने पर सहमति बनी। इसके अलावा निगम अधिपत्य विभिन्न दुकानों के लीज नवीनीकरण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप पचरी पारा स्थित यादव छात्रावास में सामाजिक भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा की न्यूनतम दर पर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा निगम क्षेत्र में संपत्ति कर दाताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के संपत्ति कर जमा करने के लिए जून तक 6%, जुलाई से सितंबर तक 4% व अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक जमा करने पर 2% छूट प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। वहीं 100 बिस्तर वाले नव निर्मित कामकाजी महिला छात्रावास के संचालन के लिए NGO एवं महिला स्व सहायता समूह अधिकृत करने पर निर्णय लिया गया। इस अवसर पर मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर धीरज बागलीवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।